तो आज हम करेंगे डोमिनोज वर्सेस मोजो पिज्जा। तो देखेंगे इन दोनों में से बेटर कौन है, क्योंकि हमारे को बड़े टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो आज बनाते हैं, बट उसके लिए हमारे को ऑब्वियसली खाना पड़ेगा। सो लेट्स ईट। ओके, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड स्टार्ट करेंगे डोमिनोज। एंड सबसे पहले हम कौन सा पिज्जा खाने वाले हैं, इसका नाम और प्राइस प्लीज लोगों को बताओ। ओके, सबसे पहले हम खाने वाले हैं चिकन कीमा पिज्जा, जिसका प्राइस है 200 रुपए, मतलब 200 रुपीज। तो बेसिकली हमने सोचा इस कंपैरिजन को थोड़ा सा अलग बनाते हैं, तो हमने कस्टमाइज पिज्जा बनवाया है। एंड इसके अंदर बेसिकली है कि डोमिनोज की क्लासिक क्रस्ट है, इसके ऊपर चीज है और कीमा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ऐसा पिज्जा पहले देखा होगा डोमिनोज का, बट हम भी पहली बार देखे, एक्जेक्टली फर्स्ट टाइम। तो इसका प्राइस 200 रुपीज है, अगर आप मार्गरेटा लेते हो एंड उसके ऊपर मतलब यू नो कुछ भी ऐड कराते हो, एंड ये एक्चुअली सस्ता पड़ता है। एक्जेक्टली, ऑफकोर्स, एंड ये लोगों को ट्रिक पता ही नहीं है, या मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों नहीं करते, बट अभी हमने को बताया तो आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, काफी सस्ता पड़ जाता है। तो इसके ऊपर कीमा है, हम ट्राई करेंगे इस पिज्जा को। भाई साहब एक्साइटेड हो? एक्साइटेड बहुत ज्यादा। आई थिंक फर्स्ट टाइम कीमा खा रहे हैं डोमिनोज का। मैंने खाया उसको, ब्लेजिंग वाले नहीं आते, ओके ओके, यस राइट, उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं, खुशबू इसकी बड़ी अच्छी, मतलब अलग ही खुशबू है। लेट्स ट्राई दिस वन एंड देखते हैं टेस्ट कैसा है। वेरी नाइस। डोमिनोज की क्रस्ट जो सी है वो आप सबको पता है कैसी है, जो क्लासिक वाली, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा यू नो एक च्यूईनेस रहती है हल्की सी, थोड़ी ड्राई होती है, एंड वो इसके अंदर है। इसका फ्लेवर व्हाट इज ये, जो इसका टॉपिंग है ना चिकन कीमा वाला, ये एक प्रॉपर टॉपिंग है। ऐसा टेस्ट ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल होता है ना फ्रोजन टॉपिंग जैसा, प्रॉपर चिकन कीमा वाला डिश है इसके अंदर, ये बात है। थोड़ा चिकन कीमा और फ्लेवरफुल हो सकता था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो चिकन कीमा होगा थोड़ा सा ऑयल रिलीज करेगा पिज्जा के ऊपर, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है, बट इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली चिकन कीमा लैम्ब होता तो शायद होता। पिज्जा टेस्टी, अभी ट्राई करेंगे डोमिनोज का दूसरा पिज्जा एंड देखते हैं वो कौन सा, एंड फिर हम आगे आएंगे मोजो पिज्जा पे, देखेंगे मोजो पिज्जा डोमिनोज से बेटर है या नहीं। सो लेट्स ईट अ सेकंड पिज्जा। ओके, सो इट्स टाइम फॉर सेकंड पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज। एंड भाई साहब इसका नाम और प्राइस क्या प्लीज लोगों को बताओ। ओके, इसका नाम है चिकन टिक्का पिज्जा एंड इसका प्राइस है 200 रुपए, मतलब 200 रुपीज। एंड चिकन टिक्का पिज्जा इतना सस्ता होता नहीं है, बट अगर ये ट्रिक आप यूज करोगे जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं तो आपको सस्ता मिलेगा। अब इसके ऊपर बेसिकली क्या है, वही डोमिनोज का चीज है, नीचे क्लासिक क्रस्ट है, हमने कुछ भी इस पे अलग नहीं कराया है, और ऊपर चिकन टिक्का है। क्वांटिटी अच्छी है, अच्छी खासी टॉपिंग्स हैं इसके अंदर। मुझे लगता है कि जब आप मतलब टॉपिंग अलग से डलवाते हो ना, एंड जो ये खुद मतलब इनके कॉम्बिनेशंस बने होते हैं उसके हिसाब से मतलब आपको ज्यादा टॉपिंग इसमें मिलती है। एक्जेक्टली, सही बात है। जब आप खुद ऐड ऑन कराते हो कोई भी टॉपिंग, मैंने हमेशा ये नोटिस करा है। तो भाई साहब देखने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके ऊपर टॉपिंग खूब सारी है, एंड भाई साहब ये पकड़ो, मतलब आप बड़ा स्लाइस होगा छोटे वाला? बड़े स्लाइस है। बड़ा स्लाइस होगा तो ये पकड़ो यार, कोई बात नहीं, ठीक है, मोटे हो जाए। मुझे देखता हूँ इस पिज्जा को, भाई साहब पहले तो चीज कर लो यार। चिकन टिक्का बहुत सारा है, बहुत ही सारा है इसके ऊपर, मुझे सही लगा, मतलब 200 रुपए में काफी सही है। डोमिनोज की क्रस्ट के साथ सिर्फ मेरे को एक कंप्लेंट रहती है, दैट्स वे टू ड्राई। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट कुछ इसके अंदर मिसिंग रहता है। मुझे लगता है थोड़ा सा एक मॉइस्चर होना चाहिए क्रस्ट के अंदर, या कोई इनको कुछ चेंजेस करने चाहिए रेसिपी में। अगर आप वहां बैठ के खाओगे तो भी ऐसा ही है। आई फील इसमें दिक्कत क्या है, क्रस्ट से ज्यादा इसमें सॉस कम है। आई फील थोड़ा सॉसी होना चाहिए, क्योंकि सूखा बहुत लग रहा है, गले में सूखते हुए जा रहा है सीधा। ये बंदे को सॉसी चीजें बड़ी पसंद है, बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता इसको सॉसी चीजें की पसंद है, पिज्जा की सॉस की बात मतलब क्या है कुछ भी, ठीक है। तो ये पिज्जा जो है अच्छा है, थोड़ा ड्राई है पिज्जा, अगर आपको ड्राई पिज्जा खाना पसंद है तो अच्छा रहेगा, सॉस इसके अंदर कम है। बट अभी हमने खा लिया डोमिनोज, अभी ट्राई करेंगे मोजो पिज्जा का पिज्जा, और देखेंगे क्या वो डोमिनोज से बेटर है या नहीं, बट ऑब्वियसली खाना पड़ेगा उसके लिए। सो लेट्स ईट दैट वन। ओके, सो इट्स टाइम फॉर मोजो पिज्जा। एंड भाई साहब इस पिज्जा का नाम क्या और प्राइस क्या प्लीज लोगों को बताओ। ओके, इसका नाम है चिकन स्मोकी जो पिज्जा, इसका प्राइस है 250 रुपीज, मतलब 250 रुपीज। यस, तो इसका नाम है स्मोकी जो, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये नशे करता है, बट इस पिज्जा को एक बार देखो, मतलब आपको दिख जाएगा इसमें बड़ा सारा चीज है, इसके ऊपर बड़ी सारी टॉपिंग है, अनियंस और चिकन, देख कितना है, बहुत सारा चिकन इसके ऊपर। मतलब अगर आप डोमिनोज से कंपेयर करोगे तो अभी मतलब उस देखने के सेंस में ना तो ये जीत चुका ऑलरेडी विनर है हमारे, बट अभी ये पिज्जा हमारे आंखों के सामने है, ठीक है। तो इस पिज्जा को देखने से मतलब लग रहा है कि ऑब्वियसली ये बेटर हो सकता है। अभी हम क्रस्ट देख लेते हैं, आपको क्रस्ट दिखा रहा हूँ दोनों की, ठीक है, आप देख लो कैसी है इसकी। देख थोड़ी सी पैन टाइप की, एग्जैक्टली थोड़ी सॉफ्ट लग रही है देखने में। डोमिनोज का ऐसा लगता है किसी ने अपने पैर का नीचे वाला हिस्सा, जिसको उसने सदियों से मॉइस्चराइज नहीं किया, बीच पे गया है ना, उसको सैंड चिपकी हुई है ऐसा लगता है, बड़ा अलग लगता है। तो भाई साहब एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड, मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता है तू किसी कोई भी खाने की चीज होगी, वीडियो बनने से पहले ही बंदा कहता है आज पिज्जा खाऊंगा, पिज्जा पार्टी होनी चाहिए, ऐसे जिंदगी में से पिज्जा ही नहीं खाया, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस पिज्जा एंड देखते हैं कैसा है, थोड़ा सा ऑयली भी ज्यादा है। लेट्स ट्राई। इसके अंदर एक चीज बता देता हूँ, जो सॉस है काफी सारी है, सॉस स्वीट नहीं है, इट्स अ लिटिल काइंड ऑफ यू नो ऑन अ बिटर साइड, बिटर है, वही सुनने से बिटर है, बट सही है, बेटर, लाइक ओवरऑल बेटर है। यस, आई एम गोना टेक अनदर बाइट, क्योंकि मेरे को ना बस चिकन ट्राई करना, आल्सो ट्राई एक बार, पर ऑनेस्टली ना इसे क्रस्ट ऑलरेडी डोमिनोज से बेटर है, एंड इन एवरी वे, इन टॉपिंग भी ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स डोमिनोज से बेटर पिज्जा है। चीज इसका बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसका तो चीज पोल तो छोड़ो, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने प्लास्टिक को पिघला के उसको डाल दिया है। इसके ऊपर चीज है, आई विल ट्राई टू शो यू गाइस, ठीक है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये चीज पुल, ये चीज पुल इसके ऊपर आ गया, हड्डी आई मुंह में, हड्डी पे, मतलब चिकन असली है, मतलब उसके ऊपर हमें नहीं पता क्या, क्योंकि हड्डी नहीं आई, हड्डी नहीं थी, ठीक है।
अभी हम ट्राई करेंगे दूसरा पिज्जा एंड भाई साहब अभी चबा रहे, पता नहीं ऐसा क्या चबा लिया उन्होंने, ठीक है। तो अभी ट्राई करेंगे दूसरा पिज्जा, वो देखेंगे उसका टेस्ट कैसा है मोजो पिज्जा के, एंड फिर हम फाइनल करेंगे कि बेटर कौन है मोजो पिज्जा या फिर डोमिनोज। लेट्स ईट दैट वन। ओके सर, इट्स टाइम फॉर लास्ट एंड फाइनल राउंड, एंड भाई साहब अभी हम कौन सा पिज्जा खाने वाले, इसका नाम और प्राइस प्लीज लोगों बताओ। ओके सर, हमें चिकन टिक्का पिज्जा है, इसका प्राइस है 289 रुपीज, मतलब 290 रुपए। मतलब पिज्जा काफी महंगी है, इसके ऊपर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है। मतलब मार्गरिटा में तो वेजिटेबल्स ऐड करने का ऑप्शन देते हैं, बट वो भी हरामी, उनको पता है कि ये लोग सस्ते में चिकन ऐड कराएंगे, बट इन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया नहीं। तो ये है 290 रुपीज का पिज्जा जो स्मॉल साइज है, बट एक बार टॉपिंग्स देख भाई कितनी है इसमें, टॉपिंग्स भरी हुई है यार, ऑनेस्टली बहुत सारा टॉपिंग्स। बट टोमेटो देखने से ही पता चल रहा है कि सड़े गले हुए हैं, पुराने से हैं, और ये पिज्जा देखने में फिर भी अच्छा है, ठीक है, तब भी बेटर। डोमिनोज के ऊपर ना मतलब यार टॉपिंग्स के नाम पे काला धब्बा है, ठीक है, खाली खाली पिज्जा लगता है देखने में, खाली खाली सा है। तो भाई साहब एक्साइटेड हो खाने के लिए? ऑफ कोर्स एक्साइटेड, मतलब मेरे को पता है टोमेटोज पसंद है, नफरत है टोमेटोज। भाई साहब पकड़ो पिज्जा का स्लाइस, ये मैं पकड़ता हूं और देखते हैं चिकन टिक्का कैसा है, ठीक है। अनियंस भी है, अनियंस ऑब्वियसली मेरे को दिख रहे हैं, मतलब लोगों को भी दिख ही रहे होंगे। तो लेट्स ईट दिस वन। पिज्जा बहुत टेस्टी है, मैं हमेशा कॉल करके बताता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यार मेरे से आप पूछोगे कि कौन सा अच्छा, तो मेरे को लगता है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, ज्यादा टाइम ज्यादा नहीं करता, ठीक है। आप लोगों को बताता हूँ ज्यादा अच्छा पिज्जा कौन सा है, ज्यादा अच्छा पिज्जा कौन सा है, मोजो ऑफ कोर्स बेटर पिज्जा है ऑनेस्टली, बट अभी हमने रेटिंग करना भूल गए, नए नए हैं तो भूल गए। तो अगर हम कीमे वाले को रेट करेंगे कितना करेंगे, कीमे को 3 और 5, ठीक है, 3, मैं भी 3 करूंगा, मतलब ओके एवरेज सा था। फिर हम इसको कितना करेंगे चिकन टिक्का वाले को, 2 out of 5 यार, बहुत बेकार था, 2 out of 5 मेरे को फिर भी 3 है, ये भी मेरे 3 है, ठीक है। मोजो पिज्जा के इस चिकन टिक्का को कितना रेट करेंगे, चिकन टिक्का को 4 on 5, मैं 5 दूंगा इसको, 5 मेरे को बहुत सही लगा, ठीक है। सॉस थोड़ी कड़वी है बट चलता है यार, मेरे को पता है कि कुछ गड़बड़ है सॉस में, बट स्टिल इट्स फाइन, टेस्टी लगती है। और ये वाला स्मोकी जो, ये मुझे 5 on 5 लगा ऑनेस्टली, ये मेरे लिए 4 था, मुझे थोड़े फ्लेवर्स इसमें कम लगे, ठीक है। बट अगर आपको अभी समझ आएगी होगा, बट अगर थोड़ी आपकी गणित कमजोर है, ठीक है, अभी समझ नहीं आया, ये जीत गया भाई, इजीली जीत गया, बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत चुका है। मैं अपने पूरे मोजो हवास, सॉरी अपने पूरे होशो आवाज, पूरे होशो आवाज में कह रहा हूँ कि मोजो पिज्जा बेटर है। अभी डिपेंड करता है कि आपकी वहाँ पर कौन सा पता चले, मुझे गाली लिख दो भाई ये तुमने क्या बता दिया, तो घर पे पीटेंगे। वैसे मैं कहता मुझे पीटो आके, मुझे कुटाई की वाले चीज है, बट मुझे नहीं, सिर्फ मुझे कुटाई चाहिए, मैं चाहता हूँ मुझे कोई पीटे आके, प्लीज चौराहे। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई साहब, आपको बताना क्या करना है, आपको लाइक करना, चैनल करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि नोटिफिकेशन आए और ऐसे नई वीडियो देख सको। इसको ये पता है किसी बंदी का फोन और किसी बंदी का उठरी, बट ये नहीं पता कि लास्ट में क्या बोलते, ठीक है, ये होते हैं आजकल के बेवकूफ। तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, नीचे बेल आइकन दबा देना, ठीक है, उसको बेल आइकन को, हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आते रहना, टिल देन कीप इट इन नॉमिनेट, टिल देन बाय बाय।